Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मैं हूँ जलाक अनाया. अब थोड़े मजे करती हूँ क्योंकि मेरा तो बर्थडे आने वाला है. क्या चाहिए बेटा? मुझे साइकिल चाहिए, 10 टॉयज चाहिए हैं और 5 ड्रेसेस चाहिए. हाँ? अच्छा, और कुछ रह गया है? हाँ. क्या? और मुझे एक और घर चाहिए. एक और घर? हाँ. ओके. बेटा इतना कुछ नहीं दिला सकते हैं, बहुत महंगा आता है. एक काम करते हैं, इस बर्थडे पे आपको सिर्फ साइकिल दिला देते हैं. ठीक है चलो. दिला देना पक्का? हाँ पक्का. थैंक यू. मम्मा आप मेरे बर्थडे में मुझे क्या दोगे? बेटा आपको क्या चाहिए बेटा, आप जो बोलोगे वो दिला दें. मुझे 10 टॉयज चाहिए हैं, 5 ड्रेसेस चाहिए हैं और एक पार्टी चाहिए है. 5 ड्रेसेस भी चाहिए और पार्टी भी चाहिए? एक काम क्यों नहीं करते, आप ड्रेसेस और टॉयज ले लो या फिर एक बड़ी पार्टी ले लो, उन दोनों में से एक चीज सेलेक्ट कर लो. मम्मा पार्टी ले दो, लेकिन मुझे टॉयज मिलेंगे ना? बेटा आपको देखो गिफ्ट मिल जाएंगे तो उसमें टॉयज मिल जाएंगे, है ना? तो पार्टी ठीक है, चलो पार्टी कर देंगे. आपकी बहुत 2-3 ईयर से पार्टी नहीं किया. हाँ मिशी को आप पार्टी करेंगे और भी तो आपकी भी पार्टी करेंगे. मिशू आपकी दूध पार्टी. ये लो टॉय ले लो. लेकिन अनाया आपको पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा. क्या? बेटा आप इतने सारे टॉयज जो है फिर मांगते रहते हो, अगर मम्मा पार्टी कराएगी तो बहुत पैसे खर्च होते हैं. ठीक है, तो एक महीने तक आपको कोई भी फालतू बड़ा टॉय नहीं देंगे. ठीक है मम्मा. तो पिंकी प्रॉमिस करो. ओके छोने. अर्जुन वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, ये अनाया की बर्थडे पार्टी करनी है ना, तो उसकी तैयारी करनी है. बर्थडे पार्टी करनी है? क्यों करनी है? बर्थडे पार्टी मांग रही है वो. उसका तो गिफ्ट डिसाइड होता ना, उसे एक चीज देंगे, तो मैंने उसे साइकिल, उसने मेरे से बात करी है. मेरे से उसने पार्टी बोली है, साइकिल बोल रही है, पार्टी बोल रही है, परेशान कर रही है वो, चेंज करे जा रही है अपना. ऐसे थोड़ी ना होता है. पार्टी का तुम, किसने बोला पार्टी के लिए? मैंने बोला पार्टी के लिए. तुमने क्यों बोला है? मेरे से डिस्कस किया या ऐसे अपने आगे बोल दिया? अरे मुझे लगा अब जो होगा दोनों से, मतलब पार्टी तो करेंगे और क्या करेंगे. तो वो तो मेरे से बात करके गई है ना कि साइकिल चाहिए, मैंने साइकिल ओके किया है. ठीक है मैं उससे पूछ लेती हूँ, उसे पार्टी चाहिए. पार्टी नहीं कर सकते, पार्टी में बहुत बजट है. ऐसे मत करो ना, ये मत करो. ठीक है ना, मैं उसको प्रॉमिस कर चुकी हूँ तो ऐसे तिल मत करो उसका. ठीक है, अब उसे वो साइकिल चाहिए, पार्टी चाहिए, जो भी चाहिए उससे मैं पूछ लेती हूँ. एक चीज कर देंगे जो. ठीक है ठीक है, फाइनल कराओ, एक ही चीज हो. ठीक ठीक. तू बहुत चालाक हो रही है नाया. अभी बताती हूँ उस चुनाव कराया को कौन ली. अनाया लगता है पकड़ी गई. अनाया अनाया आपको ज्यादा चालाक नहीं हो रही हो? पापा से अलग गिफ्ट मांगती हो, मम्मी से अलग गिफ्ट मांग रही हो, ज्यादा दिमाग लग रहा है आपका आजकल. सॉरी मम्मा. सॉरी चलो कोई नहीं अनाया, लेकिन देखो मम्मी और पापा का गिफ्ट ना अलग अलग नहीं होता, क्योंकि मम्मी पापा का गिफ्ट बेटा एक ही गिफ्ट होता है और गिफ्ट इतने पैसे के आते हैं. आप ऐसे बदतमीजी मत करो, आपको जो चीज पसंद हो बस एक बताओ. गिफ्ट. फिर चेंज मत होना, साइकिल चाहिए आपको, पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए, पार्टी. हाँ? फिर चेंज किया आपने. ठीक है चलो आप पार्टी कर रही हो, लेकिन पिंकी प्रॉमिस करो आप चेंज नहीं करोगी. ये लो. मम्मा मैं साइकिल तो चलाती ही नहीं. हाँ और मैं बताई दे रही हूँ ना, ये बार बार चेंज नहीं होगा और एक्सपेंसिव गिफ्ट होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आएंगे. पार्टी मतलब पार्टी, अब साइकिल वाइकिल नहीं मिलेगी आपको. ठीक है चलो मैं आपकी पार्टी की तैयारी करती हूँ. ठीक है. मेरा बच्चा, क्या बच्चा है? सही रहा मम्मी ने मेरे टॉफी की. कोई भी अच्छा काम भगवान को याद किए बिना कहीं शुरू हो सकता है, नहीं ना? तो सबसे पहले हम करेंगे अनाया के बर्थडे के लिए पूजा,
और आज जो पूजा में मैंने एक सूट पहना है ये मेरी इन-लॉज ने मुझे गिफ्ट दिया था। पूजा में तो हम बिना खाए पिए बैठे थे तो जल्दी से खाना खा लेते हैं। यहाँ हम खा रहे हैं आलू की सब्जी, पूरी, सूजी का हलवा और चरणामृत। बेटा आपका बर्थडे मन रहा है ना, जो प्रॉमिस हुआ वही हो रहा है। बर्थडे बस बर्थडे मनाने की प्रॉमिस हुई है, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्थडे मनेगा। ठीक है, जो जो जितनी सारी जो बर्थडे की मैं आपको गिफ्ट मिल रहा है क्या वो काम है? अभी बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे और भी मिलेंगे मिलेंगे ना, बस उससे खुश रहो। अब बस बर्थडे मनेगा, दैट्स इट। चलो तो मैं आपको दिखाती हूँ आज का सबसे बड़ा सरप्राइज। टाडा, ये ब्यूटीफुल सा सेटअप हुआ है हमारी फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ मेमोरेबल ऐसी पिक्चर्स नहीं थी जो हम वॉल पे लगा सकें, तो उसके लिए आज हम करेंगे फोटोशूट विथ फुल फैमिली। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है शुभम जी को जो यहाँ पे खड़े हैं। शुभम जी ने ये बहुत सुंदर सेटअप किया है और इनकी कंपनी का नाम, इनका फ़ोन नंबर, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और शुभम जी से ऐसे ही अपने घर के लिए या अपनी पार्टी के लिए भी ऐसा सेटअप करा सकते हो। आप लोग थोड़े पास हो जाओ, अब एक अनाया के कंधे पे हाथ रख लो। इस बर्थडे पे मैंने सोचा थोड़ी सी हमारे साथ की पिक्चर्स खींच लूं, क्योंकि मुझे बनानी है अपने घर में एक नई वॉल जिसमें हमारी सारी फैमिली के मेंबर्स हों और सबकी एक प्यारी सी पिक्चर हो। क्योंकि मेरे इन-लॉज दूर रहते हैं और वो अपने बिजनेस की वजह से ज्यादा बार आ नहीं पाते, तो इसी मौके पे मैंने सोचा चौका मार लूं। चलो सामने और मैं आपको हंसाती हूं। देखो गम्मी बेयर की नदी में क्या मिला हमको, एक चूहा। उस चूहे ने बहुत सारी गमी बेर खा ली, तो अब वो क्या पट्टी करेगा बताओ। और ये सामने ही देखो, मैं बताऊं, पिलपिली जेली। अगर आप भी अनाया को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और हाँ, एक प्यारा सा बर्थडे विश कमेंट सेक्शन में छोड़ना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी से एक कमेंट कर दो, जो सबसे प्यारे कमेंट्स होंगे उनको हम रीपोस्ट करेंगे। ये अनाया का 7th बर्थडे है और आज मनाते हैं हम इसे थोड़ा हटके। Hey guys, तो हम आए हैं अचल वेलफेयर फाउंडेशन पे अनाया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे साथ है सोनल, जो इस एनजीओ से जुड़ी हुई है, जो बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं। डॉगी भी है तो ये थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी, ताकि आप भी अगर इस अच्छे नेक काम में उनके साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सको। हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइक हमारा एनजीओ, हमारे इसमें 5 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट शिक्षा है। हम लोग अभी करंटली 2 स्पॉट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे फ्री एजुकेशन के साथ साथ उन लोगों को मॉरल वैल्यूज, ऑल्सो उनको फिजिकल एक्टिविटीज भी सिखाते हैं। ये हमारा RDC स्पॉट है, हम यहाँ पर रेगुलर हैं, 5 to 7 वी आर रेगुलर। उन बच्चों को रोज पढ़ाया जाता है डेली। ऑन द एक्सटेंशन स्पॉट हम लोग वीकेंड्स पे अपनी एक्टिविटी। और अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा? यस मैम, 3 ऑप्शन है। लाइक आप लोग हम वॉलंटियर ही कर सकते हैं, हमारे साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या फिर आप लोग लाइक हम लोग संडे जो होता है हमारा वो बेसिकली फोकस्ड ऑन द एक्टिविटी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पैसे की हेल्प नहीं कर सकते तो आप अपनी खुद की हेल्प कर सकते हो बाय जस्ट अपना टाइम जो है वो स्पेंड करके, ताकि आप बच्चों को पढ़ा दो, तो वो भी आप एक मतलब वो भी एक उस तरीके से भी आप जुड़ सकते हो। और आपको कांटेक्ट कैसे करें? लाइक मैम, वी हैव आवर जीमेल आईडी, वी हैव आवर इंस्टाग्राम आल्सो। जो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी और प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएंगी, ताकि आपको भी पता हो कि आप कैसे इनके साथ जुड़ सकते हो। सारा जीवन।
आप लोग भी बर्थडे सेलिब्रेशन का ये स्टाइल एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सुकून मिलता है। तो चलो गाइस, शाम हो रही है, अब घर चलते हैं। अनाया को जो बर्थडे पार्टी प्रॉमिस की गई थी, क्या वो अनाया को मिल पाएगी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड।